हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनकोडर क्या होता है। इनकोडर के बारे में सभी बेसिक डिटेल आपको मिल जाएंगी। इनकोडर कितने टाइप्स के होते हैं, इनकोडर किस तरीके से काम करते हैं, इनके मतलब की एक बेसिक जानकारी जो होती है इनकोडर की, वो आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। बाकी जो डिटेल में हम बाद में बात करेंगे हर एक टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये काफी बड़ा टॉपिक है और काफी अच्छा टॉपिक भी है। अगर हम इसके हर पार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे तो आगे आपको काफी मजा आएगा, ठीक है। अगर हम एक सिंपल डेफिनेशन की बात करें, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई इनकोडर क्या होता है, तो आप उसका आंसर देखिए किस तरीके से करोगे। तो इनकोडर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि डेटा को एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करती है, ठीक है। आप इसका बिल्कुल सिंपल आंसर दे सकते हो कि एक ऐसी डिवाइस है जो कि डेटा को एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करती है, या फिर आप बोल सकते हो कि इनकोडर एक ऐसा डिवाइस है जो कि मैकेनिकल मोशन को एनालॉग और डिजिटल कोड के फॉर्मेट में देता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये मैकेनिकल मोशन को, मैकेनिकल जो मोशन होता है उसको ये एनालॉग या तो एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में देगा या फिर डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में देगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई इनकोडर से हम क्यों लगाते हैं हम इनकोडर को अपनी मशीन में। तो देखिए, इनकोडर को हम अपनी मशीन में लगाते हैं पोजीशन के लिए, डायरेक्शन के लिए, स्पीड चेक करने के लिए और काउंट्स के लिए। अगर हमारी कोई कन्वेयर लाइन है, उस कन्वेयर लाइन में अगर हमको काउंटिंग करवानी है कि अपने किसी भी प्रोसेस की, अपने किसी भी प्रोडक्शन की, वहां पे हम इनकोडर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान के चलो कोई सीट मेटल की कंपनी है या फिर कोई वायर की कंपनी है और मैं चाहता हूं कि भाई मेरी जो वायर है वो हर 10 मीटर के बाद वो वायर हमारी कट हो जाए, ठीक है। हर 10 मीटर के बाद यानी कि 10 मीटर के मैं किसी भी वायर के टुकड़े बनाना चाहता हूं, वायर को कट करना चाहता हूं हर 10 मीटर के बाद, और मेरे पास एक बहुत बड़ा वायर का रोल है। तो अभी क्या होगा, अभी मान के चलो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा, कटिंग प्रोसेस हमारा चल रहा है और उस कटिंग प्रोसेस में अब ये बहुत ही स्पीड से ये प्रोसेस चल रहा है, तो उस केस में कौन बताएगा कि हमारी वायर जो है वो 10 मीटर तक की इसकी लेंथ हो चुकी है, और 10 मीटर की लेंथ होने के बाद जो कटर होगा हमारा काटने वाला, उसको फीडबैक कौन देगा, उसको सिग्नल कौन देगा कटर को चलाने के लिए। तो वो काम भी हमारा यहाँ पे इनकोडर करता है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन बताएगा, पोजिशन बताएगा और स्पीड, जैसे कि हमारी सर्वो मोटर होती है, सर्वो मोटरों के साथ में अगर आपने सीएनसी मशीनों पे काम किया हुआ है या फिर अगर आपने मित्सुबिशी वगैरह इनके कंट्रोल पे काम किया हुआ है, तो आपको पता होगा कि जो हमारी सर्वो ड्राइव होती है उनके पीछे हम लोग एक पल्स कोडर लगा के रखते हैं या फिर हम लोग एक्सटर्नल अलग से इनकोडर भी लगाते हैं अपनी मोटर के स्पीड को काउंट करने के लिए, स्पीड को, आरपीएम को चेक करने के लिए, आरपीएम को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और इनकोडर हमारा हमेशा एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम पे काम करता है। अब ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम पे किस तरीके से काम करता है, वो आप अगर हमारी सर्वो मोटर वाली वीडियो देखोगे तो वहां पर भी आपको समझ में आ जाएगा। सर्वो मोटर वाली वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम या फिर फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में किस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इनकोडर टेक्नोलॉजी अगर हम बात करें, तो इनकोडर टेक्नोलॉजी में इनकोडर चार टाइप्स के होते हैं, मैग्नेटिक टाइप, मैकेनिकल टाइप, रेजिस्टिव टाइप और ऑप्टिकल टाइप। और ऑप्टिकल टाइप जो है ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले इनकोडर है इंडस्ट्री में। अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा ऑप्टिकल टाइप्स के इनकोडर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम इनकोडर की टाइप्स के बारे में बात करें, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इनकोडर कितने टाइप्स के होते हैं, तो इनकोडर दो टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा एब्सोल्यूट और दूसरा होता है इंक्रीमेंटल इनकोडर। उसके बाद देखिए यहाँ पे इनकी भी टाइप्स होती है, ठीक है। इसे मैग्नेटिक, अगर मैग्नेटिक टाइप है तो इसकी भी टाइप्स होंगी, मैकेनिकल टाइप है तो इसकी भी टाइप्स होंगी, इस तरीके से रेजिस्टिव और ऑप्टिकल है तो इनकी भी टाइप्स होती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको इनकोडर के बारे में और डिटेल में जानना है, इनके सभी टाइप्स के बारे में जानना है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर उनके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे आपको एक ये जो इनकोडर जो दिखाई दे रहा है, ये इनकोडर है हमारा इंक्रीमेंटल ऑप्टिकल टाइप का, ये इनकोडर है, ठीक है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक सीएनसी मशीन का एमपीजी खोला था, उस एमपीजी के अंदर का जो वर्किंग और उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सेम कंस्ट्रक्शन हमारा इन इनकोडर के अंदर होता है। ये देखिए, अगर आपको क्लियरली दिख रहा होगा तो यहाँ पे इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है और बाकी इसके अंदर क्या होता है कि एक प्लेट होती है, उस प्लेट के अंदर काफी सारे होल्स होते हैं और उन होल्स में से एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है सिग्नल को और रिसीवर उस सिग्नल को रिसीव करता है। तो अगर इस जो हमारी ये प्लेट होती है, इस ये डिस्क जो होती है, इस डिस्क में छोटे छोटे होल होते हैं, तो अगर हमारा जो सिग्नल है वो इस डिस्क के होल में से पास होकर के इस रिसीवर तक पहुंच जाता है, तो इनकोडर तुरंत कंट्रोलर को फीडबैक दे देता है,
ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। आगे जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आगे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद जैसे कि हमने सबसे ऊपर बात करी थी कि भाई इनकोडर को हम पोजीशन, डायरेक्शन, स्पीड और काउंट्स के लिए यूज करते हैं, तो इनकोडर अगर हम पोजीशन के लिए यूज कर रहे हैं तो हमारा इनकोडर जो है वो कितने टाइप्स के होंगे। तो पहला यहाँ पे हमारा जैसे कि हमारा रोटरी इनकोडर है, तो यहाँ पे रोटरी इनकोडर क्या काम करता है, ये हमारा रोटरी पोजीशंस को एनालॉग और डिजिटल कोड आउटपुट सिग्नल्स की फॉर्म में हमारे कंट्रोलर को भेज देता है, ठीक है। उसके बाद अभी हमने जो भी उसमें पैरामीटर्स ऐड कर रखे होंगे, या फिर अगर हमने पीएलसी है हमारी, या तो पीएलसी में हमने जो भी प्रोग्रामिंग कर रखी होगी, या फिर हमारा ड्राइव है, ड्राइव में हमने जो भी पैरामीटर्स ऐड कर रखे होंगे, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे मोटर को, या फिर अगर हमारा कोई और प्रोसेस चल रहा है तो उसको ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। कंट्रोलर हमारा उसके बाद उसको कंट्रोल करेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा लीनियर इनकोडर, लीनियर इनकोडर क्या काम करता है, ये लीनियर पोजीशन को कन्वर्ट करता है एनालॉग और डिजिटल कोड आउटपुट की फॉर्म में। इसी तरीके से एक होता है हमारा एब्सोल्यूट इनकोडर और एक होता है हमारा इंक्रीमेंटल इनकोडर। और इंक्रीमेंटल इनकोडर क्या काम करता है, ये पोजीशन चेंज करता है, पोजीशन चेंज को एनालॉग और डिजिटल कोड के आउटपुट सिग्नल के फॉर्म में हमारे कंट्रोलर को देता है, और कंट्रोलर उसके बाद अपनी मोटर को कंट्रोल करता है। अगर आप सीएनसी मशीन पे अगर आपने काम किया हो, देखिए ये एक लीनियर इनकोडर है हमारा। अब ये लीनियर इनकोडर हमारे वहां पे इस्तेमाल होते हैं, अगर आपने कोई एचएमसी सीएनसी मशीन देखी हो, या फिर अगर आपने कोई बीएमसी मशीन देखी हो, ठीक है, बोरिंग मशीन जो होती है हमारी सीएनसी में, उनमें देखिए तो उनकी एक्सिस जो होती है वो काफी बड़ी बड़ी एक्सिस होती है, तो उन काफी बड़ी बड़ी एक्सिस में एक एक्सटर्नल इनकोडर तो लगा हुआ होता ही है, ऑप्टिकल, जैसे कि हमने बात किया था ना कि इंक्रीमेंटल ऑप्टिकल इनकोडर के बारे में, वो तो होता ही है। साथ में हम लीनियर इनकोडर को भी इस्तेमाल करते हैं वहां पे, ठीक है, मेजरमेंट के लिए। सेम इसी तरीके से जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो इनकोडर होता है उसके अंदर डिस्क होती है, तो उस डिस्क के अंदर देखिए यहाँ पे ये मान के चलो डिस्क का एक छोटा सा पार्ट है, और यहाँ पे एक ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है, ठीक है। तो ट्रांसमीटर सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, और जैसे जैसे डिस्क में क्या होता है, इस तरीके से होल स्लॉट कटे हुए रहते हैं, ये होल होते हैं, आर पार होल होते हैं ये उस डिस्क में, और जैसे ही इस सिग्नल के सामने जो भी होल आता है तो उसमें से सिग्नल पास होता है और तुरंत रिसीवर तक पहुंचता है। तो जैसे ही रिसीवर तक पहुंचता है तो इनकोडर क्या काम करता है, तुरंत फीडबैक देता है हमारे कंट्रोलर को। जैसे जैसे सिग्नल्स इन होल्स में से पास होते जाएंगे तो ये सिग्नल जो है हमको देता रहेगा। देखिए एक जो इनकोडर है वो सिग्नल किस तरीके से देता है, एक बार देगा, फिर नहीं देगा, फिर देगा, ये इस तरीके से सिग्नल देता है, ठीक है, इस तरीके से सिग्नल देता है। यानी कि एक बार इस डिस्क के होल में से हमारा जो सिग्नल था वो पास हुआ और रिसीवर तक पहुंचा तो ये वन यहाँ पे भेज देगा, सिग्नल भेज देगा। उसके बाद जैसे ही ये होल यहाँ से पास हुआ, हमारा जो ये डिस्क था ये घूमा, तो उसके बाद यहाँ पे ये जीरो आ जाएगा, उस पर कोई सिग्नल नहीं भेजेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये सिग्नल था ये कट हो गया, ठीक है, सिग्नल यहाँ से कट गया। उसके बाद अगेन दूसरा होल आएगा तो दोबारा से ये एक सिग्नल भेज देगा, ठीक है, फिर ये डिस्क फिर घूमेगी तो ये फिर से उस सिग्नल को कट कर देगा। तो इस तरीके से 10 10 10 इस तरीके से ये सिग्नल हमारे कंट्रोलर को भेजता है, और कंट्रोलर में हम उसके बाद उस तरीके से VFD है तो उसमें पैरामीटर सेट करते हैं, PLC है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं। तो आई होप कि आपको इनकोडर के बारे में बेसिक जानकारी सारी मिल गई होंगी। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूं। और आप हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे हमने PLC प्रोग्रामिंग का कोर्स भी स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारा PLC प्रोग्रामिंग का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे हम बिल्कुल बेसिक से RLC से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और हम एडवांस लेवल तक उसको PLC तक को करेंगे, और काफी वहां पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है, इन फ्यूचर, और आपको काफी मजा आएगा उस कोर्स को करने के बाद। और अगर आपको इनकोडर के और भी पार्ट्स के बारे में डिटेल में जानना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके कमेंट्स से ही हम लोग मोटिवेट होते हैं आपके लिए और भी ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।